अस्सलाम वालेकुम। आज देखो, आज हम लोग यहाँ पर जो बनाएंगे, जो बड़े वाला जो बैगन आता है ना, लंबे वाला, तो आज हम लोग उसके यहाँ पर ड्राइंग भी बनाने वाले हैं। और इसको किस तरीके से बनाना देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने पेंसिल लिया हूँ, ब्रिंजल बनाना है जो बड़े वाला आता है। ये देखो, ये इस तरीके से मैंने शेप किया इसको, है ना। अब इसको देखो कलर किस तरीके से करना है। तो कलर के लिए हम लोग इसके अंदर सबसे पहले पर्पल कलर लेंगे, उसके बाद वाइट कलर लेंगे, उसके बाद जो है डार्क ब्लू, पर्शियन ब्लू कलर बोला जाता है इसको, ये वाला कलर लेना है। और लास्ट में हम लोग जो है ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल करेंगे, इसकी डंठल वगैरह के लिए लाइट ग्रीन कलर का भी इस्तेमाल करना है, और थोड़ा सा ब्राउन कलर का भी इस्तेमाल करना रहेगा, और एक जो डार्क पर्पल है ये वाला कलर लेंगे। तो इसको देखो किस तरीके से मैं कलर कर रहा हूँ, अभी आपको नजर आएगा। ये अभी इस तरीके से देखो मैंने आउटलाइन जैसे किया है, ऑयल पेस्टल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है यहाँ पर आप अच्छे से देखिए। और इसको देखो शेड किस तरीके से करना है, ये इस तरीके से इसको जैसा लंबा है इसी तरीके से, इस तरीके से लंबा लंबा इसको यहाँ पर शेड करना रहेगा। पहले किनारे किनारे आउटलाइन कर लेना है, और आउटलाइन भी करेंगे तो आपको कलर से ही करना रहेगा, किसी दूसरे चीज से करने की जरूरत नहीं है। ये देखो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और जैसे जैसे आगे आते जाएगा तो थोड़ा सा इसको हल्का कर देना है। हल्का बोलने का मतलब ये कि कलर जो है थोड़ा हल्के हाथ से चलाने हैं, इस पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि इसमें लाइट डार्क शेड दिखाना है हम लोगों को। ये देखिए इस तरीके से मैंने अभी आउटलाइन बनाया हूं थोड़ा सा। अब इसमें थोड़ा सा डार्क कलर देना है, रोशनी इधर से आ रही है तो यहाँ का हिस्सा थोड़ा लाइट नजर आएगा और यहाँ का हिस्सा डार्क नजर आएगा। तो मैंने कौन सा कलर लिया अभी बोलो, पर्शियन ब्लू। इसको कौन सा कलर कहा जाता है, पर्शियन ब्लू। थोड़ा सा पर्शियन ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है हम लोगों को डार्क के लिए। फिर वापस से हम लोगों को पर्पल कलर वापस लेना रहेगा, और इसके ऊपर थोड़ा सा घेरना है, डार्क करना है इसको थोड़ा सा। फिर व्हाइट कलर लेना है इसको मिक्स करने के लिए। और तमाम कलर इसी तरीके से आड़ा जैसे मैं चला रहा हूं यहां पर ऐसे ही चलाना रहेगा इसमें, ताकि जो हमारा ब्रिंजल जो है वो अच्छा नजर आए। अब आपको ऐसा लगता है कि यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को रोशनी दिखाना है ऊपर से जाने, इसको थोड़ा सा इसको हम लोग ये लाइट कलर से इसको थोड़ा मिक्स कर देने। और फिर वापस इसको थोड़ा डार्क करना है, तो ये डार्क भी हम लोग यहाँ थोड़ा कर सकते हैं इसको। उसके बाद ग्रीन कलर लेंगे हम लोग थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर, पहले थोड़ा सा लेंगे
इसका जो शेप है वो थोड़ा सा हम लोग को बना लेना है। इसके बाद थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर लेना है। और इसके ऊपर इसको फेर देना है, इसको इस तरीके से लाइट कर देना है। सर को मुंह ढक दे सर को। उसके बाद थोड़ा सा व्हाइट कलर के इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा लाइट दिखाने के लिए। इसको मिक्स करना है ऐसा रखे सीधे से, और थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेकर यहाँ थोड़ा सा डार्कनेस कर देना हम लोगों को। वापस से थोड़ा सा ग्रीन कलर से इसको मिक्स कर देंगे। ब्रिंजल तैयार हो गया। अब इसका जो शेड है हम लोगों को नीचे वो बताता है मैं यहाँ पर, ये देखो ये शेड में यहाँ पर ये ब्लैक कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्लैक कलर यहाँ पर भी टच कर देना है डार्क के पर। ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का एक शेड देना है, उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा रेड कलर टच करना है। ये इस तरीके देखो मैंने टच किया यहाँ पर, और फिर इसको व्हाइट कलर से मिक्स कर देना रहेगा। ये जिस तरीके देखो मैं यहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ इसको, तो ये इसका साया हो जाएगा। साया ओरिजिनल दिखे इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, ब्लैक के साथ रेड कलर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर थोड़ा रेड कलर टच करने से उसकी जो रियलिटी है वो दिख कर आती है, और ये इस तरीके से ये उसका साया हो जाएगा। वापस से ब्लैक कलर से भी थोड़ा टच कर देना है, ये देखो रियल दिख रहा है। अच्छा लगा सर, पूरा कंप्लीट करना रहेगा।